नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज का मैथ के इस क्लास में मैंने भिन्न को चुना हूँ और यहाँ पर शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न वालों को कैसे हल करेंगे इसके बारे में मैं यहाँ पर बहुत छोटा ट्रिक्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते होंगे कि इस पर रेकरिंग है यानी पुनरावृत्ति का चिन्ह है, पुनरावृत्त का चिन्ह है। यहाँ पर भी आप देखिए, इस पर दोनों पर ये रेकरिंग है, दोनों पर टोपी है। यहाँ पर देखिए, इन तीनों पर टोपी है। यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों पर टोपी है। तो इस तरह के जब प्रश्न रहेंगे तो आप इसको कैसे हल करेंगे, मैं यहाँ पर आपको 5 सेकंड में हल करने के लिए बताऊँगा। यदि आप इसे हल करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड अपनाएंगे तो आपका कम से कम आधा पेज, एक पेज तक बनाने में लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसे ट्रिक्स को बताने वाला हूँ जो 5 सेकंड में आपके आंसर आपके हाथों में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का भिन्न के। सबसे पहले दोस्तों देखिए, 0.3 पर रेकरिंग है। इसको मतलब समझिए कि 0.333 आनी, ये बार बार आने वाला, जिस पर ये लगा हुआ रहता है मतलब वो बार बार आएगा। मान लीजिए 0.12 है, ये 0.12 इस तरह से बार बार आने वाला रहता है, ये बार बार आने वाला। इसका चिन्ह को हटाएंगे ये आपको मिलेगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, 0.3 है और इस पर ये रेकरिंग है, तो क्या करना है, इसको दशमलव को हटा दीजिए और इसको सीधा सा लिख दीजिए। दशमलव भी हटा दीजिए और ऊपर में जो ये टोपी वाला चिन्ह है, इस टोपी वाले चिन्ह को भी हटा दीजिए। और क्या करना है, इसके नीचे दशमलव यानी यहाँ पर एक अंक के ऊपर में टोपी था तो 1.9 दे देना है, 1.9 आपको बैठा देना है। यदि ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, आपका 1/3 आंसर आ गया। दूसरा देखिए, 0.12 पर रेकरिंग है। यहाँ पर देखिए 0.12 पर रेकरिंग है, इसको क्या करना है, आप हटा दीजिए इसको, इस रेकरिंग को हटा दीजिए और इस दशमलव को भी हटा दीजिए। दोनों को मैंने हटा दिया, यहाँ पर 2 पर टोपी कितने पर था, 2 पर टोपी था, तो आप यहाँ पर नीचे 2.9 लिख देंगे। जितने पर टोपी उतना 9 हर में होगा, जितने पर टोपी, मान लीजिए यहाँ टोपी रहता 3 पर तो यहाँ पर हम नीचे में 3 टोपी के बदले यानी 3.9 बैठाते। समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि जितनी संख्या के ऊपर में टोपी रहेगा उतनी 9 नीचे देते हैं। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे, 3 का टेबल में 3 × 12 और 3 आ गया यानी 4/3, ये आपका राइट आंसर आ गया। दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या देखा कि दशमलव के पहले कोई अंक नहीं और दशमलव के बाद भी ऐसा कोई अंक नहीं जिस पर टोपी नहीं लगा हुआ हो। तो अब हम लोग देखेंगे जिसमें दशमलव के बाद, जैसे 0.1236 यहाँ इस दोनों पर टोपी है, इस पर टोपी नहीं है, इस पर टोपी नहीं है, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा इसका ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों तो क्या करना है, ये दशमलव और टोपी ये दोनों को हटा दें और इसको लिख दें, लिख दिया। अब यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह दें, माइनस का चिन्ह दे दिया। अब जिस पर टोपी नहीं था, इस पर टोपी नहीं था, इसको आप यहाँ पर घटा देवें। यहाँ पर आपको जिस पर टोपी नहीं रहेगा उसको घटाना है, 12 पर टोपी नहीं था, 12 को घटा देना है। उसके बाद नीचे हम लोग 9.9 बैठाते हैं, 9.9 की संख्या कितनी होगी, जितना पर आपका टोपी रहेगा, यहाँ 2 अंकों के ऊपर टोपी था तो 2.9 होगा, लेकिन दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 अंक है तो यहाँ पर आपको 4 अंक पूरा करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 ये आपको पूरा करना पड़ जाएगा। अब इसी को हल करेंगे, आपका आंसर आ गया है दोस्तों। यहाँ पर आप इसको घटाएंगे, 1236 में 12 घटा देंगे, 1224 बचेगा और नीचे 9900 हो जाएगा।
अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे दोस्तों, कैंसिल करने के बाद 102 बट्टे आपका 825 आएगा, ये राइट आंसर हो गया, ये राइट आंसर आपका हो गया। तो हमने क्या देखा, फिर से इसको समझ लीजिए कि जिसके ऊपर में यानी यहाँ पर ऐसा था कि कुछ पर रेकरिंग था और कुछ पर नहीं था, दोनों मिला हुआ था। तो सबसे पहले आप छाट लीजिए कि किस पर टोपी हुआ है या नहीं है, तो इस पर टोपी नहीं था। हल करते समय क्या करना है कि पूरे को यहाँ पर लिख देना है और घटाव चिन्ह दे करके जिस पर टोपी नहीं था उसको पीछे लिख देना है। यहाँ पर एक दो पर टोपी नहीं है तो एक दो को पीछे लिख देना है, और नीचे में नौ नौ देना है। कितना देना है यह तय करेगा आपको कि कितने के ऊपर टोपी है। यहाँ पर दो के ऊपर टोपी है तो दो नौ देंगे, यानी नाइन की संख्या दो होगी। इधर दो बच गया तो ये दो जीरो दे देंगे। अब इसी को आपको घटाना है और भागा देना है। घटा करके जब भागा देंगे ये आंसर आपका आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दशमलव के पहले भी प्रश्न ये अंक है, दशमलव के बाद भी अंक है, लेकिन इस पर कोई रेकरिंग नहीं है, टोपी नहीं है, और एक पर टोपी है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दशमलव के पहले जो है इसको अलग कर दीजिए और इसको प्लस में यहाँ पर लिख दीजिए। इसको क्या करना है, प्लस में लिख देना है। अब यहाँ पर इसको पूरे को, अब जिस तरह से यहाँ पर आपने इसको हल किया इसी तरह यहाँ पर करना है, 31 लिख दीजिए। और इस पर रेकरिंग नहीं था, देखिए यहाँ पर तीन पर टोपी नहीं है तो तीन को घटा दीजिए, और यहाँ पर नौ की संख्या कितनी होगी, एक पर टोपी है, टोपी एक पर है, एक नौ होगा, इस पर नहीं है तो इसके बदले जीरो। अब इसी को हल कर दीजिए, 8 + 31 में तीन घटा दीजिए, 28/90। अब इसी को हल करेंगे, आंसर आपका आ गया। देखिए ये 1 और 90 एलसीएम लेंगे, 90 हुआ, यहां ये दोनों को गुना करना होगा, 720 हुआ प्लस 28, इसको जोड़ देंगे, 8 2 2 4, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों एक लास्ट उदाहरण देख लीजिए, इसे लास्ट उदाहरण में देखिए, यहाँ पर दशमलव है और यहाँ दोनों पर रेकरिंग है, दशमलव के पहले संख्या है, तो क्या करना है, दशमलव के पहले वाले संख्या को आप इसको अलग कर दें। दशमलव के पहले वाले संख्या को क्या किया, अलग कर दिया। अब इसको इधर रहने दें, इस तरह से हो गया। देखिए 3 + 0.76 यदि करेंगे, 3.76 आएगा या नहीं, तो इसको हमने अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद ये तीन आपका अलग हो गया, और 76 यानी ये 76 पर रेकरिंग है, 76 पर रेकरिंग है, तो इसको हल कैसे करेंगे, हमने बताया है कि इसको दशमलव और ये चिन्ह टोपी वाला चिन्ह दोनों को एक साथ हटाते हैं, दोनों को एक साथ हटाते हैं, हटा दिया, और यहाँ दो पर टोपी लगा हुआ है तो दो यानी नाइन की संख्या दो होगा, चूंकि टोपी ये दो पर है तो नाइन की संख्या दो होगा। अब आगे इसका आंसर क्या होगा, भिन्न का जोड़ बना दीजिए, भिन्न का जोड़ बना देंगे, आपका आंसर आ गया। भिन्न का जोड़ के लिए इसका एलसीएम 99 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 27 9 × 27 = 29, और ये हो जाएगा 76, दोनों को जोड़ के ऊपर लिखिए, यहाँ 99 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो मैंने आप लोगों को इससे संबंधित जितने तरह के प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को यहाँ पर बता दिया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और एक शेयर ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को अपने अजीज को ज़रूर शेयर करेंगे। चाहे आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं
वहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स दूसरे लोग भी जान सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।